हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में फुल सर्कल अम्ब्रेला लहंगा की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। 5 मीटर का नेट फैब्रिक लिया है और 3 मीटर का सिल्क इनर फैब्रिक लिया है। पहले मेन फैब्रिक पर लहंगे की कटिंग करना बताएंगे। लहंगे के मेन फैब्रिक की विड्थ है 56 इंच है और लेंथ इसकी 5 मीटर की है। इसमें से फुल सर्कल लहंगा बन जाएगा। पहले पेपर पर इसकी कटिंग करना बताएंगे। मैंने पेपर लिया, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। जैसे पहले हम लेंथ की साइड से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। एक साइड इसका फोल्डेड साइड है और एक साइड ओपन साइड है। फोल्डेड साइड से इसकी कमर की मार्किंग करेंगे। जितनी आपकी कमर है, जैसे कमर है 32 इंच, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच पर राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद इस मार्किंग पर टेप रखेंगे और लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। जितनी भी आपके लहंगे की लेंथ है उसकी मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद सारे पॉइंटों को ज्वाइन करके यहाँ पर राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। देन हम लहंगे को बॉटम साइड से फोल्ड करने के लिए 2.5 इंच या 3 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेंगे। सेम मार्किंग लहंगे पर कर लेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। इसका ये फोल्डेड साइड है और दूसरी साइड ओपन साइड है। अब लहंगे की कमर की फिटिंग की मार्किंग करेंगे। जैसे फिटिंग है 28 इंच, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच आएगा। 1 इंच की उसमें लूजिंग एंड करेंगे तो 8 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। कॉर्नर पर टेप रखेंगे और 8 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब सारे पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब लहंगे की लेंथ का मेजरमेंट करेंगे। जैसे लहंगे की रेडी लेंथ है 40 इंच, 2 इंच के अलग से बेल्ट लगाएंगे तो 38 इंच बचेगा। प्लस 1 इंच करेंगे मार्जिन के लिए, वह दोनों साइड सिलाई में जाएगा तो 38 इंच में हम प्लस 1 करेंगे तो 39 आएगा। लहंगे की लेंथ 39 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। कमर की मार्किंग पर टेप रखते जाएंगे और 39 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। इसी तरीके से आप अपने लहंगे की लेंथ की मार्किंग कर सकते हैं। मार्किंग पर टेप रखते जाएंगे और 39 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। लहंगे की लेंथ 39 इंच पर मार्किंग कर ली है। अब सारे पॉइंटों को ज्वाइन कर लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लहंगे की दोनों साइड मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब दोनों मार्किंग से एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। पहले कमर की मार्किंग से इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब बॉटम मार्किंग से एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। बॉटम साइड से भी कटिंग कर दी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। बचे हुए फैब्रिक में से बेल्ट की कटिंग करेंगे। अब इसको ओपन करके दिखाएंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो इसमें से लहंगे के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों के एक साथ कटिंग कर ली है। अब इनर फैब्रिक की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को लेंथ की साइड से 4 लेयर में फोल्ड कर रखा है। ये ओपन साइड है और इसकी दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। अब इसके ऊपर लहंगे का पार्ट रखेंगे। फोल्डेड साइड फोल्डेड वाला पार्ट रखेंगे। चारों तरफ से सेट कर लेंगे। अब इसको पिन अप कर लेंगे ताकि ये इधर उधर ना हिले। उसके बाद लहंगे के बराबर सेम मार्किंग कर लेंगे। अब लहंगे के मेन फैब्रिक को हटा लेंगे। इनर फैब्रिक पर कमर की मार्किंग कर ली है। अब इनर की लेंथ की मार्किंग करेंगे। जैसे लहंगे के मेन फैब्रिक की लेंथ 39 इंच पर करी थी, तो इनर फैब्रिक की लेंथ 2 इंच कम ले लेंगे, यानी 37 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग पर टेप रखते जाएंगे और 37 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। फिर से 37 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब सारे पॉइंटों को ज्वाइन कर लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लहंगे के बॉटम साइड मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब सारे पॉइंटों को ज्वाइन कर लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे।
इनर फैब्रिक के दोनों साइड मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। पहले कमर साइड से एज इट इज़ इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब बॉटम साइड से इसकी कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब इसको ओपन करके दिखाएंगे। फैब्रिक को फोर लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो इसमें से इनर फैब्रिक के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों के एक साथ कटिंग कर ली है। अब लहंगे की बेल्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को टू लेयर में फोल्ड कर लिया है। लहंगे की बेल्ट की विड्थ 2 इंच रखेंगे, प्लस 1/2 इंच उसमें ऐड कर लेंगे मार्जिन के लिए, और उसका डबल मार्किंग कर लेंगे। तो 5 इंच पर लहंगे की बेल्ट की विड्थ की मार्किंग कर लेंगे। अब सारे पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और बेल्ट की लेंथ लहंगे की कमर के अकॉर्डिंग रखनी है, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा कर देंगे मार्जिन के लिए, क्योंकि बेल्ट को 1/2 इंच फोल्ड कर देते हैं दोनों साइड से। अब एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब इसको ओपन करेंगे। इसको सेंटर से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसकी विड्थ 2.5 इंच है, 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा दोनों साइड, तो 2 इंच की बेल्ट बच जाएगी। अभी मैंने बेल्ट की लेंथ 40 इंच पर कटिंग कर ली है। एक्स्ट्रा बेल्ट को कट कर देंगे। बेल्ट के इनर फैब्रिक की भी सेम कटिंग कर ली है। लहंगे की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब एज इट इज़ इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। तो लहंगे के एक पार्ट को उल्टी साइड से रख लिया है। अब इसके ऊपर इनर फैब्रिक को रखेंगे। इनर फैब्रिक को भी इसके ऊपर उल्टी साइड से रखेंगे। जो साइनिंग वाला फैब्रिक है वो बाहर की साइड आएगा। मेन फैब्रिक के ऊपर इनर फैब्रिक को सेट करेंगे और इसके ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से इसके दूसरे पार्ट पर भी इनर अटैच करेंगे। लहंगे के एक पार्ट पर इनर अटैच कर लिया है और सेम तरीके से दूसरे पार्ट पर भी इनर अटैच कर लिया है, यानी लहंगे के दोनों पार्ट पर इनर अटैच कर लिया है। अब दोनों पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड फेस करते हुए रखेंगे। कॉर्नर को कॉर्नर से मिला लेंगे। अब दोनों फैब्रिक पर सिलाई लगा लेंगे। इनर फैब्रिक पर अलग से सिलाई लगाएंगे और मेन फैब्रिक पर अलग से सिलाई लगा लेंगे। लहंगे के दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर लिया है। बेल्ट को उल्टी साइड से रख लिया है। अब इसके इनर फैब्रिक को भी उल्टी साइड से रखेंगे। अब बेल्ट के दोनों साइड सिलाई लगाएंगे और इसके ऊपर इनर अटैच कर लेंगे। बेल्ट के दोनों साइड सिलाई लगाकर इनर अटैच कर लिया है। बेल्ट को लहंगे के ऊपर अटैच करेंगे। लहंगे को राइट साइड से रखा हुआ है। अब इसके ऊपर बेल्ट को उल्टी साइड से रखेंगे। कॉर्नर को कॉर्नर से मिला देंगे और बेल्ट के फैब्रिक को इस तरीके से टर्न करते हुए लहंगे पर अटैच करेंगे। उसके बाद 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। लहंगे के ऊपर बेल्ट को अटैच कर लिया है फिनिशिंग के साथ। अब लहंगे को इस तरीके से उल्टी साइड से फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसमें हिडन जिप अटैच करेंगे। बेल्ट पर 2 इंच की मार्किंग करेंगे। जहाँ पर बेल्ट अटैच करी थी वहाँ से ऊपर की साइड तक 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। सेम मार्किंग बेल्ट के दूसरे साइड पे लगा लेंगे। अब इस मार्किंग पर टेप रखेंगे और नीचे तक 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। दूसरे पार्ट पर भी सेम मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्किंग के अंदर की तरफ 1 इंच पर मार्किंग करेंगे और बेल्ट के साइड से भी 1 इंच अंदर की तरफ मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके दूसरे पार्ट के राइट साइड भी सेम मार्किंग कर लेंगे।
दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पहले ही जो मार्किंग करी थी 7 इंच पर, यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर 2 से 3 सिलाई लगाकर लॉक कर लेंगे। यहाँ पर 3 से 4 सिलाई लगा के लॉक कर लिया है। चारों फैब्रिक को जॉइंट करके सिलाई लगा ली है। अब लहंगे को राइट साइड से फोल्ड कर लेंगे। लहंगे को राइट साइड से फोल्ड कर लिया है और जो मार्किंग कर रखी थी 1 इंच पर, पहले 1/2 इंच फोल्ड कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद एक बार और 1/2 इंच फोल्ड करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर सिलाई करेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ से टर्न कर लेंगे और दूसरे पार्ट को भी 1/2 इंच फोल्ड करेंगे। एक बार और 1/2 इंच फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। लहंगे के दोनों साइड जीप एरिया में सिलाई लगा ली है। अब लहंगे पर सेम कलर की जीप अटैच करेंगे। लहंगे को राइट साइड से रखेंगे और उसके नीचे की साइड जीप रखेंगे। 2 इंच पर बेल्ट में जीप अटैच करेंगे इस तरीके से। जीप को एक पार्ट में इस तरीके से अटैच करेंगे। उसके बाद सिलाई मशीन को टर्न करेंगे और दूसरे पार्ट में भी जीप को इस तरीके से अटैच कर लेंगे और जीप के दोनों साइड फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देंगे। लहंगे पर हिडन जीप अटैच कर ली है फिनिशिंग के साथ। जिप को ओपन कर लेंगे और अब लहंगे की बेल्ट को फोल्ड कर लेंगे। पहले 1/2 इंच फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद 2 इंच फोल्ड कर लेंगे और सिलाई को अंदर की तरफ रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग के साथ। लहंगे के ऊपर बेल्ट को फिनिशिंग के साथ अटैच कर लिया है। अब लहंगे को साइड से फोल्ड कर लेंगे। हिडन जीप के नीचे की तरफ 3 इंच पर चारों फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई लगा ली थी। अब इनर फैब्रिक को अलग से फोल्ड करेंगे और मेन फैब्रिक को अलग से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। लहंगे को दोनों साइड से फोल्ड कर लिया है और सिलाई लगा ली है। इनर फैब्रिक को भी बॉटम साइड से फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब मेन फैब्रिक को बॉटम साइड से फोल्ड करेंगे। पहले 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद एक बार और 1/2 इंच फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। और अगर आप चाहो तो लहंगे के बॉटम साइड में पीको भी कर सकते हैं। मैं लहंगे के बॉटम साइड में पीको करूंगी। लहंगे के बॉटम साइड में पीको कर लिए फिनिशिंग के साथ। आप चाहो तो इसको फोल्ड भी कर सकते हो बॉटम साइड से। तो आप देख सकते हैं फुल सर्कल अम्ब्रेला लहंगा बनके रेडी हो गया है। इसी तरीके से आप किसी भी साइज़ के अम्ब्रेला लहंगा की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।